subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi, मैं हूँ स्नेहा वाघ और मैं आज India Forums के साथ करने वाली हूँ Instagram Rewind. So your first picture. अच्छा. This. This picture is the start of my career. Basically, मैंने acting सीखी इस दौरान क्योंकि मैं classical dancer थी और मतलब मुझे एक director ने देखा एक performance में. I was performing a classical dance and उन्होंने बोला कि हमको देवी मतलब जो महाराष्ट्र में देवी स्तुति बोलते हैं उस पर डांस क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस चाहिए एक थिएटर प्ले के लिए तुम करोगी क्या. तो मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. और जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे इतना मोटा ऐसे एक गड्डी ऐसे पेजेस का दे दिया बोला ये तुम्हारी स्क्रिप्ट. मैंने बोला स्क्रिप्ट में मुझे पढ़ने नहीं आता मेरे को डायलॉग वाला बोलने नहीं आते मैं क्लासिकल डांसर हूँ मुझे सिर्फ डांस करना आता है. तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तुम्हें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया बेसिकली एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दैट प्ले. फर्स्ट प्ले थिएटर प्ले मराठी. आई जस्ट पास्ड आउट माय 10th मांगल्याचं लेणं. सो दैट्स द स्टोरी. ओके सेकंड पिक्चर. ओ दिस इज अ वेरी रीसेंट पिक्चर. जब भी शूट से टाइम मिलता है आई लव टू ट्रैवल बेसिकली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करने के लिए. मैं एक जगह पे टिक नहीं सकती ऐसा सब लोग बोलते हैं. सो दिस पिक्चर जब मुझे शूट से पता चला था मतलब मैं ना उम्र की सीमा ही शूट कर रही थी मुझे पता चला कि 3 दिन मेरी शूटिंग नहीं होने वाली. तो मैंने बैग्स पैक किए और मैं चली गई उदगम मंडलम विच इज़ बेसिकली नीलगिरीज विच इज़ बेसिकली हम लोग ऊटी के पास ऊटी नीलगिरी फॉरेस्ट में एंड ये वहाँ की पिक्चर है. सो या आई वाज वेरी हैप्पी. ये अच्छा दिस ये अभी ये भी रीसेंट फोटो है बेसिकली वुमेन्स डे के आसपास की पिक्चर है ये. हम लोग ने एक एनजीओ विजिट प्लान किया था तो आई बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी बिकॉज मुझे औरतों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है. As an actor, as a person that I am, as they look up to me in a certain way, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब you know जब लोग अपनी stories share करते हैं. So this was basically one of my NGO visits. जहाँ पे आई वेंट टू टॉक टू देम क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है लोगों को सिर्फ बात करने से एक दूसरे से ना मन हल्का हो जाता है और यू नो देयर इज अ पॉजिटिव वाइब. हम लोग कभी अपना दुख भी शेयर करते हैं थोड़ा सा भी किसी के साथ भी तो ऐसा लगता है कि वो आधा कम हो गया है. तो या उसमें से वन ऑफ द लेडीज थी उनकी ये बेटी थी और वो बहुत प्यारी थी उससे ज़्यादा बोलना नहीं आता था लेकिन वो मुझसे बातें कर रही थी मुझे बहुत प्यारी थी. ओके this picture is from my Indonesia visit. I think सबको पता ही होगा कि हमारे कुछ shows हैं इंडिया में जो बनते हैं टेलीविजन पे वो इंडोनेशिया में बहुत पॉपुलर है एंड वी वर जस्ट शेयरिंग सम स्माइल्स एंड जोक्स. तो शाहिर वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर बेसिकली हंसी इतनी इसलिए है क्योंकि शाहिर वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर और हम सब आके उसके साथ खड़े रह के फोटो खींच रहे थे. सो ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर ही वॉज लाइक द मॉडल ओवर देयर और हम लोग सब जा जाके फोटो खींच रहे थे. ओके ये पिक्चर मैं बिग बॉस मराठी करके जस्ट बाहर निकली थी एंड यू नो दिस इज लाइक अ लिटिल फिंगर हार्ट. तो मराठी बिग बॉस में ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया था स्पेशली विद किड्स. तो मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी एंड दे मेड दिस कॉफी फॉर मी इट वॉज क्वाइट क्यूट सारांग के. दिस
this picture has a very long story behind it. It looks very simple, but the story is very long. When I was shooting Chandragupt Maurya, I was Maharani Moora, Maurya Pradesh ki Maharani Moora. अब मौर्य जो प्रदेश था वो लोग उन लोग का बेसिक जो क्या बोलते हैं प्रोफेशन नहीं क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन बेसिक ऑक्यूपेशन मतलब ट्राइब्स का वो मौर्य समाज का बेसिक वही प्रोफेशन था पिकॉक्स फार्मिंग. तो वो लोग पिकॉक्स की फार्मिंग करते थे. तो जब मौर्य प्रदेश की पिकॉक्स की फार्मिंग हो रही तो ऑब्वियसली वो मोरपंख से ही अपने आप को सजाएंगे. इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल. एंड आई स्पोक टू माय क्रिएटिव एंड आई वाज लाइक कि मुझे मोरपंख लगाने अपने बालों पे. एंड ही वाज सेइंग नो. मैं 3 दिन पीछे पड़ी रही उनके. एंड पहले शुरुआत हुई 5 पंख लगाने मुझे यहाँ पे ऐसे, तो ही सेड नो. फिर मैं बोली 4 लगाने दो, बोलते नहीं. फिर 3 लगाने दो, नहीं. मैंने बोला अच्छा 1 तो लगाने दो. तो उन्होंने बोला तो कृष्ण भगवान बन जाएगी. मैंने बोला चलेगा मुझे, बोलते नहीं नहीं नहीं. 3 दिन मैं उनके पीछे पड़ी रही. उसके बाद ही अग्रीड टू इट एंड फाइनली आई गॉट दोज मोर पंक्स एंड देन आई वाज वेरी हैप्पी. ओ गॉड, आई एम अ लिटिल एम्बैरस्ड विद दिस पिक्चर. बहुत सारी चीजें हैं. एक तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे कोई अकल नहीं थी. प्लस इतना सारा खाना है मेरे सामने. एवरीबडी नोज दैट आई एम अ बिग फूडी. जब मैं स्कूल में थी, मेरा फेस इज माई फेस इज वेरी मच्योर्ड. आई लुक वेरी मच्योर्ड सिंस अ वेरी यंग एज. तो मैं जब स्कूल में थी तब एक बहुत रिनोन फोटोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा था. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं मैगजीन कवर शूट करता हूँ, डू यू वॉन्ट टू ट्राई सम. तो मैंने बोला हाँ ठीक है. मैं तो कूदते कूदते चली गई थी. बस उसका यही नतीजा है. मुझे कुछ आता नहीं था, कुछ मॉडलिंग वॉडलिंग कुछ नहीं आता था. मुझे जब कुछ नहीं आता था तभी मैंने सारी चीज़ें कर दी. दिस इज अ वेरी लवली पिक्चर. आई लव दिस पिक्चर. This picture is from Kahat Hanuman Jai Shri Ram. And this is when Anjani Devi goes to do tapasya ki unko bachcha paida ho. To ye wahan is show ke liye maine bahut mehnat ki thi, right from exercising to diet to yoga to the way I would look, everything. I mean, I worked very hard. बट देन 2 महीने में लॉकडाउन हो गया, सारी मेहनत पे पानी फूल गया. बट या आई लव दिस लुक. आई जस्ट लव. इसमें एक अलग एक और एक लुक है विच आई रियली लव. आई मीन सो डिवाइन सीरियसली. लास्ट वन. ओके सो दिस इज 2020 का लॉकडाउन एंड this is the last living picture of my dad's birthday and it's very close to my heart. Yeah, so on that note. ओके लास्टली आई एम श्योर सभी आपके सभी फैंस को पता चल गया होगा आपके पिक्चर्स की स्टोरी क्या है. तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपको ये सेगमेंट कैसा लगा? मुझे मजा आया सेगमेंट, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स तो पोस्ट करते हैं, नॉट नेसेसरी दैट वी पुट द स्टोरीज बिहाइंड दोस पिक्चर्स. बट आई थिंक इट्स फन कि एटलीस्ट पीपल वुड नो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड पिक्चर. And I had fun. Thank you very much. We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums.